नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। रातों रात योगी ने दिल्ली बॉर्डर पर भेजी पुलिस, अवैध किसानों पर चले डंडे, सारे टेंट हो गए खाली। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश और दिल्ली बॉर्डर के लिए कि दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन ने उनके घर भिजवा दिया है रातों रात। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहले हम आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें साफ तौर पर पुलिस वाले उन किसानों को रात में टेंट से खाली करवा रहे हैं। उसके बाद आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि राकेश टिकैत पे गृह मंत्रालय ने सख्त आदेश दिया है कि राकेश टिकैत पर कड़ी कार्रवाई की जाए। राकेश टिकैत और उनके साथ ही साथ योगेंद्र यादव समेत जो भी जितने लोग इस किसान आंदोलन में थे, लगभग 20-25 लोगों के ऊपर FIR भी हुआ है और पुलिस को सख्त निर्देश मिले हैं इन सब पे तत्काल कार्रवाई की जाए। पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिस वीडियो में साफ तौर पर पुलिस वाले भगा रहे हैं किसानों को। तो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो है दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरने में बैठे किसानों को प्रशासन ने उनके घर भिजवा दिया है। पुलिसिया कार्रवाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस किसानों को भगाती नजर आ रही है, जो कि अभी आपने देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानकारी दरअसल अधूरी है। सोशल मीडिया पे जो वायरल कर रहे हैं लोग, वो लिख रहे हैं ऐसा जैसा कि हमने अभी थंबनेल में लिखा कि पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया और डंडे मारकर भगाया। दरअसल डंडे मारा नहीं गया है, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर पुलिस वालों को भेजा है कि यहां से लोगों को खाली करवाया जाए, क्योंकि अब सच में इस आंदोलन का कोई दिशा सही नहीं है। और जिस आंदोलन का दिशा और दशा दोनों गड़बड़ हो जाए, मकसद और मंसूबे सही ना हो, उस आंदोलन को समाप्त हो जाना चाहिए। वो आंदोलन सही दिशा में नहीं जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ, आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ का के काम करने का तरीका। शायद अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार दिल्ली में होती तो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ वो चीजें नहीं होती। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है कि राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई हुई है और राकेश टिकैत के खिलाफ FIR, योगेंद्र यादव के खिलाफ FIR हुआ है। राकेश टिकैत ने अभी तक इस मामले में कोई भी माफी नहीं मांगा है। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे के बजाय खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया और एक धर्म विशेष का झंडा फहराते हुए तलवारें निकाले गई, भाले निकाले गए, कई पुलिस वालों के जख्मी होने की खबर आई। 300 पुलिस वाले नालों में कूदते दिखे, जख्मी हुए 300 पुलिस वाले। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर अगर आप सभी हैं, आप सब ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपसे बहस कर रहे हैं कि आखिर में लाल किले पर जो झंडा लगाया गया था वो वहां पर तिरंगे को हटाकर नहीं लगाया गया था, गलत क्या है। अब सोशल मीडिया में आप सबको जवाब उनको देना है। अगर आप समर्थन करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है, जहां पे 26 जनवरी 15 अगस्त को हर वर्ष नरेंद्र मोदी अभी तक सरकार है, इसके पहले जो भी प्रधानमंत्री रहते आए हैं, सबने एक संवैधानिक अधिकार के हिसाब से जनता ने जिनको चुन के भेजा है वही देश का प्रधानमंत्री मात्र 15 अगस्त को झंडा फहराता है। ऐसे जगह पे एक धर्म विशेष का, वो भी खालिस्तान का झंडा जो अलगाववाद की बात करता है, भारत को तोड़ने की बात करता है। यानी कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पे ये भी लिखा, अगर ये झंडा तिरंगा के बजाय अगर ये भगवा होता तो कितना बवाल होता, ये सबको पता है। यही वामपंथी मीडिया, यही वामपंथी लोग, यही JNU के लोग और ये पूरा कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे जितनी भी कांग्रेस पार्टियों से लेकर सारे लोग हाय तौबा मचाते, कई लोग रोते और टीवियों पे ये चीजें आती साफ तौर पे कि भगवा झंडा लहरा दिया गया है। जबकि बात करें भगवा की तो हिंदुओं की 80% तादाद है इस देश में। अगर एक बार होता है तो आपको बता दें, आजादी से पहले से लेकर आज तक कई बार, आजादी से पहले जब तिरंगा का प्रश्न चिन्ह उठा था कि तिरंगा इस देश का राष्ट्रीय ध्वज हो, उस वक्त भी कई लोगों ने डिमांड किया था कि नहीं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के बजाय भगवा हो। भगवा के एक अपना, उनका एक अपना उदाहरण था। मांग इस देश में लोकतंत्र है, सब मांग रख सकते हैं। अगर उस वक्त खालिस्तानी वाले झंडे जो है, वाहेगुरु का झंडा जो है खालसा पंथ का, वो भी मांग करते, वो भी गलत नहीं था। सबकी अपनी डिमांड थी क्योंकि उस समय पर निर्धारित हो रहा था। लेकिन
जब भगवा की बात आती है तो उसका एक आधार था कि भारत का एक सनातन संस्कृति थी, एक कल्चर था, और उसी आधार पे भगवा ध्वज को देश का ध्वज माना जा सकता था, ऐसा उनका कहना था जिन्होंने भगवा ध्वज को राष्ट्र ध्वज की मांग की थी। उन सब का कहना था कि इस देश में लगभग 80% तादाद में हिंदू हैं और सनातन संस्कृति और हिंदू हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है और उसके शौर्य का परिपहचान भगवा ध्वज होता है। हालांकि इन सब के बीच जो नीति निर्माता थे उन सब ने तिरंगे को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि भगवा ध्वज के में तिरंगे में भगवा कलर रंग रहेगा, केसरिया है, लेकिन साथ ही साथ हरा रंग भी दिया। वो चाहे बंटवारा देश में बंटवारा होने के बावजूद उसको दिया, जात धार्मिक आधार पे दिया, विशेष धर्म को खुश करने के लिए दिया, जो भी चीज़ें रही हों। फिलहाल संविधान प्रदत्त चीज है, जब देश में संविधान बन गया, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो भगवा की मांग थी वो दबने लगी, वो दबी। और कई बार लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर के कार्यालय पर काफी समय तक तिरंगा नहीं फहराया जाता था, लेकिन आज जब आप तस्वीरें देखेंगे तो बाकायदे तिरंगा फहराया जाता है और देश का हर व्यक्ति तिरंगे को सम्मान करता है। सबने सोच लिया कि ठीक है, आज का भारत आज में जीता है और आने वाले भविष्य में जीता है, हमारे लिए तिरंगा ही सर्वोपरि है और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है और राष्ट्र के प्रतीक तिरंगा है। लेकिन इस बीच किसान आंदोलन के माध्यम से लोगों ने फायदा उठाया और राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों हजार की संख्या में लोग चढ़ गए लाल किले पर और वहां पे खालसा पंथ का झंडा लहराया और खालिस्तान का नारा बुलंद किया, तलवारें भाजी गई, हिंसा किया गया। अब इन सब चीजों का जो सोशल मीडिया पे पक्ष लेते हैं कि क्या हुआ आखिर, गलत क्या हुआ, तो वो उन सब की आंखें शायद खुली नहीं है। आज देश की का अपमान हुआ है। पाकिस्तान के ट्विटर में ट्वीट किए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि भारत में गृहयुद्ध जैसा माहौल हो गया है, यो नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। पाकिस्तान के अलावा कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कई देशों में, अलग अलग देशों में यह खबरें पहुंची, पूरे वैश्विक मंच में भारत की बेइज्जती हुई। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात करते हैं लाल किले की, तो लाल किले के प्राचीर के आसपास तोड़फोड़ भी हुई और पुलिस वालों को हताहत हुई, मारा पीटा गया, पुलिस वालों का भी अपमान हुआ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब बात आती है किसानों की, तो कैसे कोई आने वाले समय में भरोसा करेगा कि देश के किसानों को कैसे मौका दिया जाएगा दिल्ली में आंदोलन का। एक भरोसा जताया गया, सरकारों ने भरोसा जताया कि आप आइए, ट्रैक्टर मार्च करिए, शांति से चले जाइए, लेकिन अब क्या होगा यह सोचिए। यानी कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की वजह से किसानों के साथ भी अन्याय हुआ। इसी वजह से दो किसान संगठनों ने राकेश टिकैत को गुंडा बताया और कहा कि राकेश टिकैत का लक्ष्य और मकसद दोनों गलत है, जिसकी वजह से यह आंदोलन पूरी तरीके से फेल रहा और किसानों की इस आंदोलन से बड़ी बदनामी हुई, बड़ी बेइज्जती हुई है। जो अन्नदाता, जिसका एक सम्मान किया जाता था, उसको आज गुंडा कहा जा रहा है। ये चीजें राकेश टिकैत की वजह से हुई है, इसकी जिम्मेदारी राकेश टिकैत को लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।